इजाजत नहीं मुझे फिर इस तरह क्यों दिया वादा, जैसे थे आंगन में खिले तो पल की रोशनी। इजाजत नहीं मुझे फिर इस तरह क्यों दिया वादा, जैसे थे आंगन में खिले तो पल की रोशनी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे। काफी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी काफी डीएम्स आते हैं कि भाई बाकी सब तो ठीक है बट तू वोकल कैसे मिक्स करता वो बता। पहली बात तो मेरे मिक्सिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम लोग थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझ जाओ, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट समझ जाओ तो कोई भी कर सकता है। मैं नहीं मानता। एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स जो मैं खुद यूज करता हूँ, तुम लोगों में से अगर किसी ने मेरा चैनल फॉलो किया होगा कुछ टाइम से, तो मैं मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स डिफॉल्ट वाले यूज करता हूँ, लाइक स्टॉक प्लगइन्स जो आते हैं FL Studio में। क्योंकि सच बताऊं तो मैं इस बात का तो बिलीवर हूँ कि भाई प्लगइन्स गेयर्स डोंट मैटर, तुम एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। एंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो तुम लोग बस ये ध्यान रखो कि भाई कि तुम सब ये देखने आ रहे हो कि मैं कैसे अपने वोकल्स को मिक्स करता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये तुम्हें भी करना चाहिए, ये जस्ट मेरे प्रेफरेंस है। ये सब जो सेटिंग्स एंड मिक्सिंग टेक्सचर्स है ये मुझे पसंद है, मैंने काफी जगहों से सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने आज जाके ये सब कर रहा हूँ। जस्ट डोंट स्ट्रेट अवे कॉपी एनीथिंग। म्यूजिक मिक्सिंग एक ऐसी चीज है ना कि वो एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं आ सकता, यू नो, लाइक यू कांट बी लाइक कि वोकल्स का वॉल्यूम इतना ही रहेगा तभी ये म्यूजिक कहलाएगा, यू नो, लाइक क्योंकि मैंने देखा है कि काफी लोग बहुत टेक्निकलिटीज में खो जाते हैं। मेरे ओपिनियन में अगर तुम टेक्निकलिटीज में अगर ज्यादा फोकस करोगे तो दैट ओनली हैम्पर्स द क्रिएटिविटी इनसाइड यू। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस वीडियो के शुरुआत में तुम लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर तो सुना ही होगा एंड तुम लोगों को पसंद भी आया होगा क्योंकि तुम लोग अभी भी वीडियो देख ही रहे हो आई गेस। सो मैं आज तुम लोगों को मेरे एक पर्सनल प्रोजेक्ट का वोकल प्रोसेसिंग दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है इसमें। इस गाने का नाम है इजाजत, विच इज एन अनरिलीज सॉन्ग। ऑल राइट, मेरे डॉप पे आते हुए सबसे पहले तो हम अपना प्रोजेक्ट देखेंगे जो काफी मस्त कचड़ा होके रखा है। कचरा को इग्नोर करते हुए अगर एक चीज तुम लोग नोटिस कर रहे होंगे कि पूरे गाने में क्लियरली सेक्शंस काफी सारे दिख रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दिख रहे हैं। लाइक ये जैसे इंट्रो पार्ट हो गया, यहाँ पे जस्ट कुछ यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं एंड सिर्फ एक ही वोकल का लेयर है यहाँ पे। एंड देन कम्स दिस कोरस पार्ट मेरा, यहाँ पे भी सेम इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ और एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए यहाँ पे एंड देन इतने सारे वोकल चेंज आ गए। सो बेसिकली ये सारे जो सेक्शंस है, इन सारे सेक्शंस के वोकल्स को अलग अलग मिक्स चैनल्स पे रख के उनको मैं सेपरेटली मिक्स करता हूँ। सो बेसिकली सेइंग कि मैं कभी भी एक तरीके के मिक्स को पूरे एंटायरिटी ऑफ द सॉन्ग में नहीं रखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एज द सॉन्ग प्रोग्रेसेस काफी सारे नए एलिमेंट्स भी एड होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स एड होते हैं, रिदम बदलते हैं। सो क्या हर एक चीज को कंपनसेट करने के लिए मिक्स तो थोड़ा बदलना ही पड़ता है। एक मेजर एडवांटेज जो मुझे लगता है कि अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग मिक्स करने का रहता है कि तुम म्यूजिकली बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने एक गाने को। एंड इसका एक और एडवांटेज मुझे ये लगता है कि लिसनर भी बोर नहीं होते सुनते सुनते, क्योंकि इन अ वे कि एज द सॉन्ग प्रोग्रेसेस लिसनर ऑलवेज हैज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ओके, सो ये है मेरा वोकल चैनल, इसको मैं कुछ कलर भी दे देता हूँ, कुछ गंदा कलर देता है। सो मैंने अपने वोकल चैनल को हाईलाइट कर दिया ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। सो बिफोर वी गो इन टू द वोकल चेन, एक बार रॉ वोकल सुन के देखता। इजाजत नहीं मुझे फिर इस तरह क्यों दिया वादा, जैसे थे आंगन में खिले दो पल की रोशनी। सो फर्स्टली मैं अपने रॉ वोकल्स को हमेशा म्यूजिक के साथ ही सुन के देखता हूँ एंड मैं मिक्स भी म्यूजिक के साथ ही करता हूँ वोकल्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि वोकल्स या कोई भी एलिमेंट को अगर मैं अलग से मिक्स करूंगा तो वो मे बी खुद से बहुत अच्छा साउंड कर सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि वो एंटायर म्यूजिक के साथ भी अच्छा साउंड करे, यू नो। सो आई एम लाइक व्हाई नॉट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। सो पहले यहाँ पे मैंने कुछ कंप्रेसर्स यूज किए, पहला वाला है फैब फिल्टर एंड दूसरा वाला FL Studio का स्टॉक कंप्रेसर है। सो बेसिकली मैंने इन दोनों को पहले ट्राई किया एंड मुझे फैब फिल्टर का ज्यादा साउंड अच्छा लगा, सो मैंने उसी को यूज किया। आई डिड नॉट यूज द फ्रूटी कंप्रेसर। सो इसको एक बार ऑन करके सुनते हैं। इजाजत नहीं मुझे फिर इस तो सिर्फ कंप्रेसर लगा के ही बहुत अच्छा खासा गेन आ गया एंड वोकल भी काफी अच्छा खासा बैलेंस हो गया। सो बेसिकली कंप्रेसर क्या करता है, क्वाइट पार्ट्स को वो थोड़ा सा पंप कर देता है एंड लाउडर पार्ट्स को वो थोड़ा सा टक कर देता है। सो क्या होता है ना कि जब भी कोई भी एलिमेंट प्ले हो रहा है उसमें सडन वॉल्यूम चेंजेस ना, जब हम कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या स्पेशली फॉर वोकल्स,
देर आर फ्यू पार्ट्स की हम बहुत क्वाइटली गाते हैं एंड फ्यू पार्ट्स हम बहुत चिल्ला के गाते हैं। सो सडन चेंज जब होता है वॉल्यूम में वो कान में चुभता है एंड वो उतना प्लेजेंट नहीं सुनाई देता है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट द कंप्रेसर डज हियर। और सच बताओ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे प्लगइन्स जो मैं यूज करता हूँ उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बन सकता है, जैसे कंप्रेसर हो गया, ऑटो ट्यून वगैरह हो गया। अगर वैसा भी वीडियो अगर चाहिए तुमको सेपरेट तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो तुम लोग। उसके बाद आता है ऑटो ट्यून। वेल वैसे तो मैं सिंगर काफी ज्यादा अच्छा हूँ बट थोड़ा सा ऑटो ट्यून तो लगता है ना, थोड़ा सा। जस्ट किडिंग, आई थिंक आई एम अ टेरिबल सिंगर। देखो यार आज के दिन कैसा ना कि आर्टिस्ट भले कितना भी अच्छा हो जाए ऑटो ट्यून लगाना आज के दिन में नेसेसिटी हो गया। अरिजीत सिंह ने अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में ऑटो ट्यून को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। लाइक हम लोगों को रहमान के गाने सुनने इतने पसंद थे ना, इट वॉज हिम एक्चुअली हु स्टार्टेड यूजिंग ऑटो ट्यून इन अ वेरी सटल वे एंड दैट्स हाउ लॉट ऑफ सिंगर्स स्टार्टेड साउंडिंग ब्यूटीफुल। जब एक सिंगर गाता है वो इमोशन के साथ गाता है, इमोशन के सब जब गाता है तो परफेक्ट कभी भी नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा सुर से हिलता रहता है। एंड इमोशनल टेक्स को हम लोग जितना ह्यूमन रख सकते हैं उतना ह्यूमन रखने के लिए जितना अमाउंट हम लोगों को डालना है, इट्स लाइक मसाला है तो पूरा डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप पे लो मेल रख दिया है क्योंकि मेरा वॉइस काफी ज्यादा बेसी है और मैंने की यहाँ पे सेट कर दिया है। रीट्यून स्पीड बेसिकली कितना तेजी से तुम्हारा गलत नोट्स को ऑटो ट्यून सही नोट पे लेके जाएगा। एंड ह्यूमनाइज करके कुछ एक चीज है, मैंने 50 में रखा है। सच बताओ तो मुझे पता भी नहीं ह्यूमनाइज क्या है। सो अभी इसके साथ सुन के देखते कैसा साउंड कर रहा है। इजाजत नहीं मुझे फिर इस तरह क्यों दिया वादा, जैसे थे अगर खिले तो पल की रोशनी। सो देखा पहले के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा इंट्यून आ गया मेरे वोकल्स ऑलरेडी। फिर उसके बाद आता है डीएसआर। ये कैसा प्लगइन है ना भाई कि मुझे इसका सिर्फ पता है कि ये करता क्या है बट ये कैसे क्या करता मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसको हमेशा डिफॉल्ट में रख देता हूँ। एंड एक्चुअली इसका मेन रीजन ये भी है कि देयर इज एन आर्टिस्ट नेम कारा एंड मैंने उसका कहीं तो वीडियो देखा था कि वो भी सेम करती है कि वो बस डीएसआर को ऐसा लगा देती है अपने चेन में। एंड आई एम लाइक भाई अगर इतने बड़े म्यूजिशियन अगर डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं हम कौन होते इतना छिड़का नहीं करने वाले, तो हम भी सेम यूज किए जा रहे हैं। सो बेसिकली डीएसआर कुछ नहीं बस वो हार्श एस नॉइजेस निकालता रहता है। सो अभी डीएसआर के साथ सुन के देखते हैं कैसा है। इजाजत नहीं मुझे, देख रहे हो वो वहां पे दिखा भी रहा है कि वो कौन कौन से हार्श सिग्नल्स को डक कर रहा है। और उसके बाद आते हैं दो पैरामेट्रिक EQs जो अगेन FL Studio के स्टॉक प्लगइन्स है। पहले पैरामेट्रिक EQ में मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाया है जहां पे मैंने थोड़े हायर फ्रीक्वेंसीज को हल्का सा बूस्ट किया, मिड बेस फ्रीक्वेंसीज को भी बहुत ही हल्का सा पंप किया ना के बराबर। दो पैरामेट्रिक EQs इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा एक पैरामेट्रिक EQ से अनवांटेड बेस फ्रीक्वेंसीज डक कर देता हूँ। सो यहाँ पे जैसे मैंने 50 हर्ट्ज के नीचे के सारे फ्रीक्वेंसीज को हटाई दिए, भाई तू होने ही नहीं, फक ऑफ, गेट लॉस्ट। एंड अभी सुन के देखता। इजाजत नहीं मुझे फिर इस तरह क्यों दिया वादा। वोकल अभी सुनने में थोड़ा ज्यादा ब्राइट और हार्श लग रहा है बट आगे जाके जैसे मैं और इफेक्ट्स ऐड करने वाला हूँ अभी सो ये हार्शनेस भी काफी हद तक चले जाएंगे। फिर अगेन मैंने यहाँ पे फैब फिल्टर का दूसरा प्लगइन यूज किया है, इट्स कॉल्ड प्रो Q3। बेसिकली ये फैब फिल्टर का इक्वलाइजर है, ये बेसिकली सेम चीज करता है जो पैरामेट्रिक EQ करता है बट मैं ये प्लगइन से स्पेसिफिकली अनवांटेड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज जो रहते हैं उनको मैं निकालता हूँ। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे डक की है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब तुम कोई अनट्रीटेड रूम में वोकल टेक्स दे रहे हो, जैसे कि मेरा रूम है यहाँ पे अगर बैकग्राउंड में देखोगे देयर इज लाइक लिटरली नो अकोस्टिंग व्हाटसोएवर, तो बेसिकली रूम नॉइजेस आते हैं रिकॉर्डिंग में एंड वो रूम नॉइजेस क्या होते हैं ना तुम्हारे मिक्स को मडी बना देते हैं। सो बेसिकली मैं ये करता हूँ कि मैं वोकल पहले प्ले करता हूँ और फिर हार्श रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज को सर्च करता हूँ। इजाजत नहीं मुझे फिर इस तरह क्यों दिया वादा। लाइक एज यू कैन हियर कि यहाँ पे हार्श फ्रीक्वेंसीज थे तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे डक किया, वैसे ही करके बस मैंने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज को ढूंढा एंड मैंने उसको बस डक करते गया। एंड अभी उसके बाद आता है लास्ट पार्ट, बेसिकली रिवर्ब और डीले। सो मैं हर बार क्या करता हूँ कि जब कोई एफेक्ट्स की बात आती है तो मैं उसको हमेशा साइड चेन कर देता हूँ। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये वाला मिक्सर चैनल यहाँ पे और यहाँ पे भी सिग्नल भेज रहा है। सो बेसिकली ये वाले चैनल पे मैंने रिवर्ब रखा है फैब फिल्टर का
प्रोवार रिवर और दूसरे वाले चैनल पे मैंने डीले रखा है, अगेन स्टॉक एफएल स्टूडियो का प्लगइन है ये। सच बताऊं तो साइड चेन खुद ही में एक एंटायर वीडियो बन सकता है, पर अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो साइड चेन का एडवांटेज ये रहता है कि अगर तुमने डायरेक्ट वोकल के ऊपर रिवर्ब डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो वो रिवर्ब ना भाई पूरे एंटायरिटी ऑफ द वोकल में हर जगह रिवर्ब रहेगा। जब वोकल चल रहा है तब भी रिवर्ब भरा रहेगा, जब वोकल शांत हो जाएगा तब भी रिवर्ब का एक टेल रहेगा। सो वही सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए मैं साइड चेन करता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि जब मेन वोकल प्ले हो तो हमारा रिवर्ब थोड़ा सा कम हो जाता है ताकि वोकल आउटशाइन करे, रिवर्ब नहीं। बट जैसे ही वोकल का पार्ट खत्म हो जाता है रिवर्ब वापस से वॉल्यूम गेन कर देता है, तो वो एम्प्टीनेस को भरने के लिए। अगर मैं एक्चुअली साइड चेन का प्रोसेस एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा, मे बी मैं उसको दूसरे वीडियो में करूंगा, बट एक बार हम अभी इसको सुन के देखते हैं विथ रिवर्ब एंड डिले। इजाजत नहीं मुझे फिर इस तरह क्यों दिया वादा। यहाँ पे वॉल्यूम लेवल्स को भी ध्यान देना आप लोग, जैसे ही यहाँ पे मेन वोकल प्ले होता है डीले और रिवर्ब का वॉल्यूम खुद ही से कम हो जाता है। मैं वापस से प्ले करता हूँ। इजाजत नहीं मुझे फिर इस तरह क्यों दिया वादा, जैसे थे आंगन में खिले दो पल की रोशनी। सो बेसिकली ये वीडियो मैं बस यही तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक एक करके मैंने ये पूरे गाने के इंडिविजुअल वोकल्स के मिक्सिंग दिखाने चला गया तो ये 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा और इतना समय किसी के पास है नहीं। बट मैं ऐसा ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ कि तुम लोगों को एक जिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि ये कोरस के वोकल चेंज है और बस यहाँ पे एक चैनल रैक पे एक नजर रखना तुम लोग। सो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने लिटरली हर एक वोकल्स को एक डिफरेंटली मिक्स किया। इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं कि मैंने उनको कैसे मिक्स किया, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने उनको अलग से मिक्स किया ताकि मेरे पास वो फ्रीडम रहे और वो कंट्रोल रहे, ताकि मैं अपने हिसाब से हर एक छोटे छोटे एलिमेंट को मैं अपने हिसाब से रख सकूं। सो होपफुली दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही अगर सिमिलर वीडियोस चाहते हो फ्यूचर में तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दो, और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह तुम्हारे लिए बनाते रहूंगा। सो ये गाना इजाजत अभी अनरिलीज्ड है, बट अगर तुम चाहते हो कि रिलीज होते बराबर तुम्हें ये गाना सुनना है तो नीचे में मेरे स्पॉटिफाई प्रोफाइल का लिंक भी है, वहां पे जाओ मेरे पेज को फॉलो करो एंड यू वोंट मिस आउट माय फ्यूचर रिलीजेस। लास्टली Don't forget to hit the subscribe button yaro and इस वीडियो को लाइक भी दे देना, and till then I'll catch you guys in the next one, bye bye.